सो बच्चों गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अश्वनी त्यागी। वी आर लाइव ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ अनअकैडमी जेई। कैसे हैं प्यारे बच्चों? शुरू करेंगे कल वाले उसी सिलसिलाते इत्तखाम को आगे बढ़ाने वाले हैं। बात करेंगे डिटेल में किसके बारे में, कैसे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, और ऑब्वियसली बात करेंगे किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल कंडीशन में कैसे करते हैं, इरिवर्सिबल कंडीशन में कैसे करते हैं, और इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार गुड इवनिंग हो जाए, इनडायरेक्टली हमारे और आपके बीच में गुड इवनिंग हो सकती है। तो शुरू करें। मैं आपका अपना अश्वनी त्यागी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक और जस्ट बेटा एक सेकेंड एक और बेहतरीन सेशन जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 6। तो शुरू करते हैं। चलिए बात करेंगे आज थर्मोडायनेमिक्स में। कल मैंने एक बच्चे का डाउट देखा, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट था कि सर एक बार बताइएगा कि सीपी और सीवी को प्रैक्टिकली कैसे आप फील करते हो। तो बेटा सीपी और सीवी को अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो फील कर जाओगे। वैसे मैं फील कराऊंगा आपको इस लेक्चर में। आज शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए बच्चों, ये पिछले 13 साल से इंडिया के टॉप एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें मैं पढ़ा चुका हूं। तो पढ़ा ही नहीं चुका हूं बच्चों, डिपार्टमेंट को हेड किया, काफ़ी सालों तक हेड किया, लगभग 3 से 3.5 साल तक एक इंस्टीट्यूट में काम किया। उसका नतीजा आपके सामने है कि KVPY में 100+ रिजल्ट आज तक दे चुका हूं। KVPY में 100+ रिजल्ट के बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो ICHO में भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आई कैन हेल्प यू आउट। अगर आप बात करेंगे बच्चों जे एडवांस्ड की तो 10 और 14th रैंक प्रोड्यूस कर चुका हूं। 10th रैंक राज द्विवेदी, 14th रैंक गगन, 14th रैंक की बात करेंगे मनन अग्रवाल। तो ये दोनों। अगर बात करूं JEE 2020 की तो JEE 2020 में 6th रैंक मिस्टर अग्रवाल, मनन अग्रवाल का छोटा भाई हर्षवर्धन। 9th रैंक रिजान फारूकी और 10th रैंक साई आदित्य। यानी ये वो बच्चे हैं जो आप लोग जहां पर जाना चाहते हो, जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, इनमें ये अब जाने की ओर अग्रसर हैं बच्चों। तो शुरू करते हुए आगे बात करेंगे, वो नीट हो वो जेई हो, इसका मतलब हमारा कोर कंटेंट ही इस चीज़ को डिसाइड करता है बच्चों कि बच्चा जेई में जाएगा या वो नीट में जाएगा या वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा या नहीं। तो आप एक बार देखिए एंड जस्ट गेट इंस्पायर्ड। तो आप लोगों को रिजल्ट से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है बच्चों, और रिजल्ट से बड़ा कोई इंस्पिरेशन भी नहीं होता है। तो आपके सामने ये रिजल्ट्स जो आपको मोटिवेट करने के लिए सफिशिएंट हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसके आगे की। तो आगे जरा एक बार बढ़ जाइए भाई। ये आपके सामने है मिस्टर हर्षवर्धन अग्रवाल, जो इस बार रैंक 6 है, NTA स्कोर 100% है, और ये मेरे लॉन्ग टर्म कोर्सेज का स्टूडेंट रहा है। आगे बढ़िए, बात करेंगे इसके आगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जो डिटेल्ड सॉल्यूशंस जो हम बात कर रहे हैं आपसे अभी, इसके एकदम बाद इसके डिटेल्ड PDF आपको मिलेगी एनोटेशंस के साथ। तो वो वहां पे हम शेयर करते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम आपके साथ DPPs, उनके सॉल्यूशंस और वेरियस इंफॉर्मेशन आपके लिए जो बहुत एसेंशियल है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो उसके लिए आपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद livedaily.me/chat ये आप टाइप करेंगे तो आप हमारे चैनल का, इस बेहतरीन चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस सोने की खान में अभी तक नहीं पहुंचे हो बच्चों तो इसमें पहुंचने का आपके पास सीधा सा तरीका है। ये देखिएगा livedaily.me/JEE ये आप टाइप करोगे, अपने किसी भी मोबाइल फोन के ब्राउजर में जाइए, ये आप टाइप करोगे तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट पूरा का पूरा डाइट, ये livedaily.me/JEE ये पूरा खुल जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों, आपके सामने सॉर्टेड वे में सारी प्लेलिस्ट्स आ जाएंगी, सारी लेक्चर PDF आ जाएंगी। जो प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर देखना है वो आप देख सकते हो, जिस PDF की आपको जरूरत है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। यानी आपका टाइम सेव करने के लिए ये टाइम सेविंग मैकेनिज्म है, बिकॉज टाइम सेव्ड इज टाइम इन्वेस्टेड। सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर, एमिनेंट ऑथर आपको कहां पे पढ़ाते हैं, Unacademy+ पे। उस पे बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू भी कर दिया है। अक्टूबर से मैं आपके साथ कोर्स भी लेके आ रहा हूं। उसमें हम लोग जे एडवांस डेली बेसिस पे, आपको महसूस होगा बच्चों, बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से भी नहीं, आपके बोलने से भी नहीं। जे एडवांस्ड एक फीलिंग है बच्चों, वो आपको डे टू डे बेसिस पे फील होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर होते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन फिर पुराने भी सॉल्व कर पाओगे, नए भी सॉल्व कर पाओगे। जे एडवांस्ड में नए क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये मेरी आपसे उम्मीद है, ये मेरी आपसे तवक्को है, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप जे एडवांस लेवल को जरूर टच करते रहिए। जेई मेन में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और जो बच्चा जेई की तैयारी करता है कभी भी उसका टारगेट जेई मेन नहीं होता है, जेई एडवांस तक जाना होता है। तो जेई एडवांस तक जाना नहीं, जेई एडवांस में आईआईटी को पाना होता है। इसी शिद्दत के साथ आप तैयारी कीजिए तो आपको गारंटीड वो सेटिस्फैक्शन तो कम से कम मिलेगा जो एक डायरेक्शनल वे में मेहनत करने से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, प्लस सेक्शन पे जाने के बाद, जेई कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। तो देखिए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। ऑप्शन का मतलब ही यही है। लेकिन आपके लिए मेरा मास्टर सजेशन रहेगा बच्चों कि आप लॉन्ग टर्म कोर्सेज में ही आइए, यानी ये 1 ईयर कोर्स, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो 2 ईयर कोर्स। क्योंकि आईआईटी के लिए अगर तैयारी करनी है बच्चों तो वी नीड टाइम, और टाइम के लिए आपको लॉन्ग टर्म कोर्सेज ही ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए आइए, क्योंकि ऊपर के 3 कोर्सेज ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज है बच्चों, क्रैश कोर्स टाइप के कोर्सेज हैं, जिनसे आपको हम सिर्फ ब्रशअप तो करा सकते हैं, लेकिन जेई के लिए इक्विप करने के लिए द टाइम विच इज नीडेड वी वोंट हैव दैट मच टाइम इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स और 1 मंथ और 6 मंथ। तो उसके लिए आप 1 ईयर और 2 ईयर कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। अगर आप जेई मेन 21 की तैयारी कर रहे हो जो जनवरी अटेम्प्ट होने वाला है, तो उसको अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, ज्वाइन कीजिए। आई विल डेफिनेटली गाइड यू। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा एक कोड को यूज करने के लिए। तो रेफरल कोड आपको यूज करना है। इसका मतलब क्या है? एक टीचर के स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करने का एक बेहतरीन एफर्ट है अनअकैडमी की तरफ से। तो आपने करना क्या है, ATJ कोड यूज कीजिए और आप मेरे बैच में ज्वाइन कीजिए। क्या होगा आपको फायदा बच्चों? इंस्टेंट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में जो हमारा टारगेट है बच्चों, जो हमारा टारगेट है क्या बच्चों, मिशन क्या है हमारे पास, मिशन 280+, उसको अचीव करने में आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। दिन रात एक कर देंगे, मिलके मचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपको 1 ईयर की फी आफ्टर डिस्काउंट इज गोइंग टू बी 34,650 रुपीज, और 2 ईयर की फी आफ्टर मैक्सिमम डिस्काउंट इज गोइंग टू बी 50,400। ये आपके लिए बच्चों। अगर आप इस पर EMI ऑप्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यानी EMI ऑप्शन आप क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हो, डेबिट कार्ड से भी EMI ऑप्शन आप ले सकते हो। आगे बढ़िए। यहां पर देखिएगा, ये जो आपके लिए 3208 रुपए पर मंथ थी, ये फी घट के आपसे हो जाएगी बच्चों लगभग 2900 रुपीस पर मंथ, अगर आप 1 ईयर के लिए ज्वाइन करते हो। और अगर आप 2 ईयर के लिए ज्वाइन करते हो तो जो फी आपकी कितनी थी बच्चों, जो फी आपकी 2333 पर मंथ थी, वो लगभग 2000 रुपीज पर मंथ के आसपास रह जाएगी, यानी 2100 रुपए पर मंथ के आसपास रह जाएगी। तो आप देखिए कितना अफोर्डेबल इसको बनाया गया है। तो ये इतना इन्वेस्टमेंट तो बनता है बच्चों। फिजिकल कोचिंग से अगर इसे कंपेयर करें तो इट इज नथिंग मोर देन पीनट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे बात करेंगे बच्चों, हमने बात की थी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। अब क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं तो थोड़ा स्लो चलेंगे। तो देखिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हमारे पास एक गैस है, उस गैस का मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल क्या हो सकता है बच्चों, एक डॉट भी हो सकती है, यानी एक क्या हो सकता है, ये मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, ये डाई एटॉमिक भी हो सकता है, ये ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, पॉली एटॉमिक भी हो सकता है। तो उसमें क्या होंगे बच्चों, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वेरियस वेज में। तो जो एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूशन के कितने रास्ते हैं हमारे पास, 3 रास्ते हैं। एनर्जी या तो ट्रांसलेशनल एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी, या रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी, गैस के लिए बात कर रहा हूं सिर्फ, और या वाइब्रेशनल एनर्जी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो कितना किस हिस्से में जाता है, इसके बारे में एक बार देखिए। ये क्या कहता है कि ओनली फॉर गैसेस, अगर मैं किसके लिए बात करूंगा, सिर्फ गैसेस के लिए बात कर रहा हूं, ओनली फॉर गैसेस के लिए बात की मैंने। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल की पर मॉलिक्यूल एनर्जी कितनी होती है। जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है बच्चों, वो कितनी होती है, देखिए जरा एक बार, 1/2 kT पर मॉलिक्यूल होती है। अगर मैं रोटेशनल एनर्जी की बात करूं, 1/2 kT इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, 1/2 kT इन वन पर्टिकुलर, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों पे एक साथ मूव कर रहा होगा, यानी इधर तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितनी ले जाएगा बच्चों 1/2 kT पर मॉलिक्यूल, वाई एक्सिस कितना 1/2 kT, जी एक्सिस कितना 1/2 kT। तो यानी आप देखोगे तो 1/2 kT पर मॉलिक्यूल इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो नोट कर लीजिए, अगर मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ ऐसे घूम रहा है, देखिए अगर मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ ऐसे घूम रहा है बच्चों, ये हमारे पास है तो यहां पे क्या होगा, ये मैंने एक्स एक्सिस माना तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी ux या vx बोल दीजिए, यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी uy बोल दीजिए, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी uz बोल दीजिए। तो इस डायरेक्शन में एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/2 kT डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसमें 1/2 kT और इस डायरेक्शन में भी कितनी हो जाएगी बच्चों 1/2 kT। यानी एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होगा। टी क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और के क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, के इज नथिंग बट आर अपॉन एन ए, के इज नथिंग बट आर अपॉन एन ए। आर क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर क्या है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यानी आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जरा एक बार भाई, गैस मॉलिक्यूल वी एक्स यानी वाई एक्सिस, जी एक्सिस और एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी तीनों के डायरेक्शन के कंपोनेंट आप लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 kT, 1/2 kT दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूं रोटेशनल की तो रोटेशनल क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल आप खुद सोचिए, अगर मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है तो रोटेशन की बात ही नहीं आई। अगर मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है, अगर वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन के लिए कम से कम डायएटॉमिक होना जरूरी है। रोटेशन के लिए कितने एटॉमिक होना जरूरी है, आप देखिए रोटेट करेगा तो एक पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो रोटेट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए रोटेशनल कैसे आती है 1/2 kT पर मॉलिक्यूल, और वाइब्रेशनल में क्या आ जाएगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को मिलाकर हमारे पास कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास कितना आएगा ये kT पर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चलूं, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को बोलूं एक बार आपसे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, सोचिए थिंक अबाउट इट कि मॉलिक्यूल कैसे क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं। कल एक बच्चे ने बात की थी कि सीपी सीवी से ज्यादा क्यों होती है, प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे वो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। एक बार यहां पे देखिए हाउ डू मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड, मॉलिक्यूल्स घूमते कैसे हैं यार। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके घूमने की कोई तो मैकेनिज्म होगी, कोई तो तरीका होगा, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई ना कोई वे होगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यहां पे देखिए जरा एक बार। अगर मैं ट्रांसलेशनल की बात करूं तो मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, जो भी एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी दैट इज यानी लीनियर मोशन की वजह से ट्रांसलेशनल। तो यहां पे क्या आ जाएगी मोशन थ्रू स्पेस, यानी जब गैस मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है या गैस मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है या गैस मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है तो वो कुछ एनर्जी का कंपोनेंट ले रखा होगा इस टाइप की मोशन ने, उसे बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी होगी बच्चों देख लीजिए आपके सामने, मैं आपको बता चुका हूं कितनी होती है 3/2 kT टोटल होती है। कितनी होती है 3/2 kT, एक्स एक्सिस पे 1/2 kT, वाई एक्सिस पे 1/2 kT, जी एक्सिस पे 1/2 kT। तो टोटल कितनी होगी 3 पॉसिबिलिटी, यानी आपको तीनों पॉसिबिलिटीज को एक साथ लेके चलना पड़ेगा तो 3/2 kT हो जाएगी। अब दूसरे पे आते हैं, रोटेशनल की बात करते हैं तो रोटेशनल में क्या होगा, मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहा हो सकता है ऐसे रोटेट कर रहा हो मॉलिक्यूल, हो सकता है मॉलिक्यूल पूरा ऐसे रोटेट कर गया हो सकता है मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हो। तो यानी रोटेशनल मोशन क्या होगी सेंटर ऑफ मास के अराउंड। भाई सेंटर ऑफ मास कहीं पे ले लेंगे, फिक्स कर लेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास है मॉलिक्यूल का, उसके अबाउट क्या होगा मॉलिक्यूल रोटेशन लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल, उसे क्या बोलेंगे बच्चों COM के अबाउट, दिस इज कॉल्ड। वो आ जाएंगे हमारे पास रोटेशनल। तो जितने वेज होंगे उन्हें बोलेंगे रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जितने वेज रिप्रेजेंट करने के होंगे इन्हें बोलेंगे ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 3। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम XY प्लेन में घूम रहा हो, YZ में घूम रहा हो, ZX में घूम रहा हो, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है। अब बात करते हैं किसकी, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बहुत सारी हो सकती है। वाइब्रेशन कितनी हो सकती है बच्चों, ढेर सारी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब द नंबर ऑफ वेव्स नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं उसे कहते हैं हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहां पे देखिएगा वाइब्रेशनल मोशन में क्या होगी, डायरेक्टेड थ्रू दी केमिकल बॉन्ड्स। इसका मतलब नोट कीजिएगा ये चीज, यानी जो भी वाइब्रेशनल मोशन होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, डायरेक्टेड थ्रू दी केमिकल बॉन्ड्स, यानी केमिकल बॉन्ड नहीं है तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो ही नहीं सकती। इसका मतलब वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होने के लिए कम से कम 2 एटम होना जरूरी है, तभी तो वाइब्रेशन करेगा। अगर एक ही एटम है तो वाइब्रेशन कैसे करेगा? सिंगल एटम कैन नॉट वाइब्रेट। अगर ये सिंगल एटम में ले लूं तो वाइब्रेट नहीं करेगा, ये सिंगल एटम पॉइंट मास हो जाएगा। तो नोट कीजिए ये चीज, आप लोगों को देखो ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। और थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं इसको, आपको क्लियरली समझ में आएगा इस लेक्चर के बाद व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स, यानी वो इंडिपेंडेंट मेथड्स जिनकी फॉर्म में, याद रखिएगा, टू एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जिनकी फॉर्म में हम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्पेस में, उसे कहा जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं आपसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में, यहां पर देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वाई एक्सिस के अबाउट, ये एक्स एक्सिस के अबाउट, ये जी एक्सिस के अबाउट। तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई? 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी 3 से ज्यादा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं हो सकते, यानी 3 से ज्यादा रास्ते नहीं हो सकते जिनमें आप स्पेस में, यानी एक पर्टिकुलर किसमें, डायरेक्शन के अबाउट, डायरेक्शन के अलोंग आप एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज ले सकते हो? 3। ऐसे ही आगे आइए रोटेशनल में, देखिए भाई ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, मैंने माना ये मॉलिक्यूल है मेरे पास ए और बी, तो ये मॉलिक्यूल कैसे घूम सकता है? ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, मैंने मान लिया ये इस साइड से ए है, इस साइड से बी है, तो ये 2 तरीके से घूम सकता है, या तो ये ऐसे घूमे या ये ऐसे घूमे। अब तीसरा तरीका तो कोई आएगा नहीं, या तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा हो या ये ऐसे घूम रहा हो। तो यानी एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जी एक्स प्लेन। तो ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर नॉर्मली कितनी होती है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, क्या होगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी बच्चों? ध्यान से देखिए, वो जब ऐसे घूम रहा है, ठीक है, या तो वो ऐसे घूम जाए या वो ऐसे घूम रहा हो, यानी क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी एट अ टाइम। यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए 3 भी हो सकती हैं। जब 2 एटम एक्स वाई प्लेन में हो सकता है कोई दूसरा एटम वाई जेड में हो सकता है कोई दूसरा एटम जेड एक्स प्लेन में भी क्या कर रहा हो, घूम रहा हो। यानी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, कम से कम कितनी रहती है? हो सकता है 0 हो जाए, रोटेट कर ही ना पाए, क्योंकि केमिकल बॉन्ड हो ही नहीं, सिंगल एटम आ जाए। देखिए अब हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मैं एक बार आपको और डिटेल में इलैबोरेट करता हूं। यहां पे देखिए द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर बात समझ में नहीं आई बच्चों तो बताना जरूर है कि हमें यह बात समझ में नहीं आई, तभी तो समझा पाऊंगा। मैं इस पे क्वेश्चन कराने वाला हूं ढेर सारे, डोंट वरी अबाउट इट, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कितनी होती है बच्चों? 3 होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, यानी FT हमारे पास कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। नोट कर लीजिएगा, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है, 3 से कम भी नहीं हो सकती और 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। यानी ट्रांसलेशनल डिग्रीज, ट्रांसलेशनल वेज क्या हो जाएंगे हमारे पास? 3 होंगे, इसके अलावा कोई इससे कम कभी नहीं होंगी, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। आगे बढ़िए, बात करते हैं रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो किसके अबाउट रोटेट करेगा? वहां पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितनी हो जाती है बच्चों? 0। नोट कर लीजिएगा, देखिए इट इज अ बिग 0। क्या है ये? बिग 0। तो नोट करना है ये बात, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कितनी हो जाती है? अब ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास क्या है, हीलियम, जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, नियॉन है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या ले लिया जाए? लो टेम्परेचर पे। हाइड्रोजन किसको ले लिया जाए? लो टेम्परेचर पे। यानी आप नोट करें अभी के अभी, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन कि अगर टेम्परेचर बहुत कम है, अगर टेम्परेचर 100 केल्विन है, 50 केल्विन है, तो आप रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ले ही नहीं सकते। वो क्या हो जाएंगे? 0 मान के चलिएगा, वाइब्रेशनल 0 लेके चलना पड़ेगा। टोटल क्या हो जाएंगे? ट्रांसलेशनल। यानी लो टेम्परेचर पे हर मॉलिक्यूल की जितनी भी एनर्जी होती है 100% ट्रांसलेशनल में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल वहां पे होती नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कभी आप सोचो कि अगर एक स्टेटमेंट दे दें कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन नॉट बी जीरो, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बच्चों, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जीरो हो सकती है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको ये। अब आगे बढ़िए, इधर देखिए, अगर हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, लीनियर मॉलिक्यूल आ जाए, लीनियर मॉलिक्यूल आ जाए तो कितनी हो जाएंगी? अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक और लीनियर मॉलिक्यूल कोई भी ले लीजिए आप, डाई एटॉमिक और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। कौन सी? रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी लीनियर, जस्ट लाइक दिस पेन। अगर लीनियर है तो रोटेशनल कितनी होंगी? 2 होंगी, XY प्लेन, YZ प्लेन, यानी ऐसे रोटेट कर रहा होगा और ऐसे, यानी आप याद रखिएगा सारे प्लेन आ गए ना भाई, इस प्लेन में इधर ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो कहने का मतलब 2 क्या आ जाएंगे हमारे पास? रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नोट कीजिएगा, उनके लिए कितनी होती है? 3। तो आप देखिए हमारे पास F, हमारे पास रोटेशनल कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई 0 या फिर 2 या फिर 3। आप नोट कीजिएगा ये बात, 0, 2, 3, ये तो हमेशा 3 है। तो F रोटेशनल 0 किसके लिए होती है? मोनो एटॉमिक के लिए या लो टेम्परेचर पे। ये किसके लिए होती है? मोनो के लिए। ये किसके लिए होती है? डाई या लीनियर के लिए, डाई या फिर क्या हो जाए? लीनियर हो जाए। और ट्राई के लिए क्या हो जाएगा बेटा जी? अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और नॉन लीनियर है तो उसके लिए 3 हो जाती हैं, यानी पॉली एटॉमिक और नॉन लीनियर, क्या हो जाए? नॉन लीनियर, यानी लीनियर नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो इधर देखिए उनके लिए क्या हो जाएंगी? 3। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी हमारे पास? पहली बात, अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया गया है, नोट अभी के भी बनाइए, इफ टेम्परेचर हैज नॉट बीन मेंशन्ड यू विल नेवर कंसीडर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप कंसीडर नहीं कर सकते अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट एट लो टेम्परेचर। वाइब्रेशनल पिक्चर में कब आता है? जब गैस क्रिटिकल टेम्परेचर का कम से कम 84% क्या कर चुकी होती है? अचीव कर चुकी होती है, यानी 84% ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर गैस नीचे है तो कभी भी उसके अंदर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए जरा एक बार, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, यानी मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए 0 होंगी। अगर डाई एटॉमिक गैसेस आ जाएं तो 1 आ जाएगी। डाई एटॉमिक गैसेस के लिए वाइब्रेशन करेगा, तो ऐसे ही तो वाइब्रेशन कर सकता है एट अ टाइम, तो एक ही वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, किसी भी प्लेन में ले लीजिए आप। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? ओनली 1, और वो भी किस पे? हाई टेम्परेचर पे। अगर बात करते हैं बच्चों, नोट कीजिएगा, फॉर एनी मॉलिक्यूल हैविंग एन एटम्स द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी बच्चों? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? n। अगर हमारे पास वाइब्रेशनल निकालनी है मैंने, तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएगा 3n-6, ये मैक्सिमम, याद रखिएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3n-6 होगा। तो नोट कर लीजिएगा बच्चों, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखिए जरा इसे एक बार, अब आपको शायद ये बात समझ में आ जाए। अब देखिए हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने लिया है, क्या लिया है मैंने? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F को लिया है बेटा जी। तो ये F हमारे पास 3 है, 1, 2, और ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। एक क्या है हमारे पास? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरी क्या है? वाइब्रेशनल, तीसरी क्या है? ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल क्या होती है बच्चों? देखिए अब हमारे पास, अगर मैं इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी? ट्रांसलेशनल की। तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होती हैं ऑलवेज। इसमें चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, वो डाई एटॉमिक हो, डजेंट मैटर, मोनो हो या वो डाई एटॉमिक हो या वो पॉली एटॉमिक हो, ये तो फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होती। ये क्या होती हैं बच्चों? फिक्स्ड होती हैं। ये क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं, ये कभी चेंज नहीं होती हैं। तो यानी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो ट्रांसलेशनल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, 3D मूवमेंट अगर आप ले रहे हो, 3D मोशन आप ले रहे हो तो फिक्स रहेंगी है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? हमने बात की रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। तो रोटेशनल हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेटा 3 तरह की होती हैं। एक आती है मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक या लो टेम्परेचर पे। दूसरी हमारे पास आ जाएंगी डाई एटॉमिक के लिए या लीनियर के लिए, डाई एटॉमिक या लीनियर आ जाए। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी? ये आ जाएगा पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए। तो नोट कीजिएगा पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, एटॉमिक, ए टी यहाँ पे पॉली एटॉमिक के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉली एटॉमिक के लिए। तो पॉली एटॉमिक के लिए, मोनो के लिए कितनी होती है बच्चों 0, डाई के लिए कितनी होती है और लीनियर के लिए कितनी होती है 2। तो याद रखिएगा ये 0 होती है। एफ आर, यहाँ पे एफ आर कितना होता है बच्चों ऑलवेज 2, और ट्राई पॉली एटॉमिक के लिए कितना हो जाता है एफ आर इज इक्वल टू हो जाता है 3। तो यानी मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो हमारे पास बच्चों, हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी एफ वी, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, नेवर कंसीडर, ये आप किस पे, लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगी 0, मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगी ये, अगर मॉडरेट टेम्परेचर दिया गया है तो 0 हो जाएंगी। अगर हाई टेम्परेचर दिया गया है बच्चों, अगर हमें क्या दिया गया है हाई टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर पे आप ले सकते हो, मॉडरेट टेम्परेचर पे फिर भी कंसिडरेशन हो सकता है पॉली एटॉमिक में, तो लो टेम्परेचर पे नहीं लेना है, हाई टेम्परेचर पे ही लोगे। ये कितनी हो जाएंगी हमारे पास मॉडरेट हाई टेम्परेचर पे, अगर मैं बात करूं आपसे तो ये कितनी हो जाएंगी, एक सेकेंड, तो हाई टेम्परेचर पे हमें दोबारा बनाना पड़ेगा उसको। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि अपने आप से ये कई बार अपनी मर्जी से चल पड़ता है। तो अगर मैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करूं एफ वी, तो ये हमारे पास लो टेम्परेचर पे हमेशा क्या लेनी है, टी। लो पे हमेशा क्या लेके चलोगे बच्चों 0 लेके चलोगे। अगर हमें हाई टेम्परेचर दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों में, हाई टेम्परेचर दिया गया है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या लेके चलोगे, हाई टेम्परेचर पे एफ वी विल बी इक्वल टू 3n। टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी बच्चों 3n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स इन दी मॉलिक्यूल। n माइनस आ जाएगा एफ टी एंड माइनस एफ आर। तो नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला है किसके लिए, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए। वन बाय वन करते हैं ना, चलिए लेट्स डू इट। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार आपको दिखाता हूं कि वाइब्रेशनल को कैसे लेते हैं, ट्रांसलेशनल को कैसे। पहले 10-12 केसेस आप कर लें ताकि आपको ये हैंडी हो जाए। आप इसके साथ में, मैं आपको एक मॉलिक्यूल के लिए 3 अलग अलग कंडीशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज करके दिखाऊंगा। यानी हाइड्रोजन के लिए गामा की वैल्यू बदल जाती है, हाइड्रोजन के लिए गामा की वैल्यू लो टेम्परेचर पे अलग होती है, मॉडरेट टेम्परेचर पे अलग होती है और हाई टेम्परेचर पे अलग होती है। हाइड्रोजन गैस के लिए गामा की वैल्यू, तो यानी गामा की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट चीजें हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी, एनर्जी का यानी मोमेंटम होगा तो एनर्जी होगी काइनेटिक। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के वेज बदल जाएंगे। यहां से देखिए, अगर मैं मॉलिक्यूल लेके चलूं आपके साथ में बेटा जी, अगर मैंने हीलियम लिया है तो मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। तो देखो 3 into n कितनी हो जाएंगी, टोटल 3n हो जाएंगी। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 3n टोटल हो गई। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलेशनल तीनों हो गई, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0। अब आगे बढ़िए, अगर मैंने बात की है मैं मैक्सिमम कंडीशन में, यानी इन एनी कंडीशन बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए, तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, टोटल कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। ये ट्रांसलेशनल हमारे पास कितनी हो गई 3, तो हमारे पास रोटेशनल कितनी हो गई 2 और वाइब्रेशनल ज्यादा से ज्यादा 1, वो भी तब जब अलाउड होगी। ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशनल लेनी है, वाइब्रेशनल तभी ले सकते हो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिया गया हो, अगर टेम्परेचर नहीं दिया गया तो आप नहीं ले सकते। आगे बढ़िए, अगर मैं CO2 लीनियर के लिए बात करूं तो कितनी होंगी टोटल 9। यहां पे देखिए, तो वाइब्रेशनल सबसे ज्यादा हो जाएंगी, कैसे 3 है तो फिक्स है बिल्कुल, ये कितनी हो जाएंगी रोटेशनल 2 होंगी क्योंकि लीनियर है। अब वाइब्रेशनल कितनी हो जाएंगी 3 माइनस कितनी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 4। अब नेक्स्ट पे देखिए बच्चों, अगर मैं अमोनिया लेके चलूं तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ऐसा कुछ है, पिरामिडल शेप में है, पिरामिडल शेप में है तो नॉन लीनियर हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, CO2 लीनियर था, ये क्या था लीनियर था। अब देखिए 12 है टोटल, कैसे पता चला 12 है, यहां पे देखिए अमोनिया में एटॉमिसिटी n की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, तो टोटल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, 3n हो गई, 3n हो गई। तो यहां पे देखिए टोटल ये 3, ये ज्यादा से ज्यादा रोटेशनल कितनी हो सकती है 3 और वाइब्रेशनल कितनी हो जाएंगी अब 6 हो जाएंगी। तो इसका मतलब आप नोट कीजिएगा बच्चों, यानी यहां पर जितनी ट्रांसलेशनल में एनर्जी कितनी आई है बच्चों 25%, वाइब्रेशनल में रोटेशनल में कितनी है 25%, यानी अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल्स की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाइब्रेशन में जाती है। तो नोट कीजिएगा, अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल्स की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी किसमें जाती है बच्चों, वाइब्रेशन में। यानी 50% ऑफ द एनर्जी इज वाइब्रेशनल, ओनली 25% इज ट्रांसलेशनल एंड 25% इज रोटेशनल। तो यानी आप देखिए जरा एक बार, यानी एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को आप निकाल सकते हो। आर वी क्लियर अबाउट इट? फटाफट से मुझे बताइए कि ये बात आप लोगों को क्लियर है। देखो 25% क्या हुआ हमारे पास रोटेशनल में, ट्रांसलेशनल में 25%, यहां पे क्या है 3 है, टोटल कितनी है 12, 12 में से 3 मतलब 25% क्या है हमारे पास ट्रांसलेशनल, ये हमारे पास रोटेशनल है, ये हमारे पास वाइब्रेशनल है। इसको और डिटेल में लेके चलते हैं। देखिए अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज से नो, बहुत जरूरी है बच्चों ये बात कि आप लोग और हम लोगों के, मेरे और आपके बीच में देयर शुडंट बी एनी गैप। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड से नो सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, ओके, इवन इन अ बेटर वे, आई विल चेंज माई वे, ओके। मैं आपको इसे बताने का तरीका बदलूंगा अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है। देखिए यहां से ध्यान से, अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात कर रहा हूं, अब देखो अब टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन देखिए बच्चों, टेम्परेचर को इंटरप्रिटेशन कैसे लेके चलेंगे। यहां पे देखो अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैसेज हैं, नोट कीजिए अगर मोनो एटॉमिक गैसेज हैं तो लो टेम्परेचर पे ये 3 ही है, ये 3 ही है, ये सब 0 है। तो यहां पे सीपी सीवी सब निकाल सकते हो आप। सीवी कितनी हो जाएगी हमारे पास, कैसे निकालते हैं सीवी आपको बता चुका हूं, सीवी कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे आप। क्या कर दोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड, क्या कर दोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो वो हम करके दिखाएंगे अभी आपको। ये कहां से आया 3/2 r, ये 3/2 r, ये क्या आ जाएगी सीवी प्लस आर 5/2 r, गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। अब देखिए अब बात की मैंने डायटॉमिक के लिए, लो टेम्परेचर पे देखो, लो टेम्परेचर पे हमारे पास ये है, कितनी है हमारे पास ये, और हाई टेम्परेचर पे हमारे पास ये रही। तो यानी ये चेंज नहीं हो रही है, ये चेंज नहीं हो रही है, यानी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी फिक्स हैं। तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा डाई एटॉमिक के लिए, यानी जब तक टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज्यादा हाई ना दिया गया हो वाइब्रेशनल आप कंसीडर नहीं करेंगे। यानी हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए बच्चों ये, हाइड्रोजन के लिए, क्लोरीन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्लोरीन के लिए, फ्लोरीन, इस टाइप की गैसेस के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों पे सेम रहेंगी। लेकिन अगर ट्राई एटॉमिक ले लें बच्चों, तो ट्राई एटॉमिक अगर लीनियर है, देखिएगा लीनियर ट्राई एटॉमिक गैसेस जैसे कि CO2, जैसे कि और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, CO तो डाई एटॉमिक में आ जाएगा। ट्राई एटॉमिक लीनियर लेके चलिए, ट्राई एटॉमिक लीनियर फॉर एग्जाम्पल CO2, इसके अलावा और भी बहुत सारे BeCl2, तो ये सब के सब मॉलिक्यूल्स में क्या होगा बच्चों। देखिए यहां पे लो टेम्परेचर पे ये 3 है, ये 3, यहां पे ये 2, ये 2, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्सेशन है बिल्कुल। अब आगे आ जाइए, अगर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आ जाए तो अब प्रॉब्लम वाली बात आएगी। देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास, यहां पर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में लो टेम्परेचर पे ये 3 होंगी, ये 3 होंगी, लेकिन आगे बढ़ जाइए अगर मैं हाई टेम्परेचर ले रहा हूं तो ये 3 है, ये 3 है, तो यहां पे वाइब्रेशनल भी लेनी पड़ेंगी बच्चों, वाइब्रेशनल भी लेनी पड़ेंगी। ट्राई एटॉमिक में, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। अगर यहां पे हाई टेम्परेचर है तो कितनी हो जाएंगी 3n, कितनी हो जाएंगी बच्चों यहां पे जल्दी से बताइए, ये हो जाएंगी 3n माइनस FT माइनस FR हो जाएंगी, ये कितनी हो जाएंगी 3n माइनस FT माइनस FR। अब देखिए अगर मैं पॉली एटॉमिक लेके चल रहा हूं तो पॉली एटॉमिक में लो और हाई दोनों को देखिए बच्चों, अगर हाई टेम्परेचर पे लेके चल रहा हूं तो कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल के दिखाता हूं। ऐसे तो आपको ये सारी चीजें, आपको लगेगा ये टेबल में हम लोग कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। तो देखिए मोनो डाई ट्राई, इनके लिए सीवी की वैल्यू कितनी होगी, ये लो टेम्परेचर पे, ये कितने पे है बच्चों मॉडरेट टेम्परेचर पे। देखिएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे वैल्यूज निकालिए, तो जो वैल्यूज आप 3/2 5/2 हम लोग यूज करते हैं वो कितने पे होती है बच्चों जल्दी से बताइए। जो वैल्यूज हम 3/2 5/2 यूज करते हैं दीज आर एट नॉर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर बदला वैल्यूज बदल जाएंगी। तो आप देखिए जरा एक बार और मुझे बताइएगा, जल्दी से कैलकुलेट करने का आपको वक्त दूंगा मैं। अगर हमें 2 अलग अलग गैसेस दे दी जाए उसके लिए CpCv की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। यहां पे देखिए अगर हमारे पास गैस 1 है, Cp इतना है, Cp2 इतना है, तो Cp मिक्सचर कितना आ जाएगा हमारे पास N1, यानी मोल्स ऑफ गैस 1 इंटू Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2, एवरेज निकाल दोगे। यहां से देखिए Cv भी बिल्कुल सेम, अगर हमें गामा बोला जाए तो ये आ जाएगा Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर। तो इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ Cv। अब से आपको बेटर वे में समझ में आने लगेगा। अगर फील आए तो बताइए कि वाकई सर फील आ गई इसमें। यहां पर देखिए हमने बात की है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ Cv, Cp एंड गामा। फॉर द फॉलोइंग, हीलियम के लिए निकालिए, हाइड्रोजन के लिए निकालिए, साथ में हाइड्रोजन एट वेरी लो टेम्परेचर निकालिए, साथ में हमने निकालना है हाइड्रोजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, नेक्स्ट में हमने निकालना है SO3 और लास्ट में सबसे लास्ट हमने निकालना है SO3 SO2 बाय टेकिंग ओनली 20% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 20% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वन बाय वन निकालिए जल्दी से, आपके पास 1 मिनट है। मेरे आंसर्स के साथ अगर आपके आंसर्स मैच करते हैं बच्चों तो परफेक्टली वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जल्दी से बताइए, फटाफट से आप शुरू हो जाइए और बताना शुरू करेंगे फटाफट से कि आंसर्स क्या क्या आएंगे, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो फर्स्ट के लिए, और गामा की वैल्यू भी आपको निकाल के बतानी है, तो फर्स्ट के लिए हमारे पास गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी ये बताइए। तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं वन बाय वन। ए को लेके चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास गैस है बच्चों, मोनो एटॉमिक है। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात कर लेते हैं। चलिए मैं इधर बात करता हूं जरा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए मैंने लिया मोनो एटॉमिक गैस हीलियम ले लिया, तो हीलियम गैस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हीलियम गैस के लिए मोनो एटॉमिक गैस है तो इंटरनल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो जाएगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो जाएगी। तो हमारे पास ये कितनी होती है, दिस विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां पे देखिए ट्रांसलेशनल ये आ जाएगी 3/2 पर मोल, 3/2 पर मोल के लिए अगर बात करूं या एन मोल्स के लिए ले लो डजेंट मैटर, कितनी आ जाएगी 3/2 nRT, कितनी आ जाएगी 3/2 nRT। 3/2 कहां से आया बच्चों, एक बार देखिए 3/2 कहां से आया, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/2 कहां से आया तो यहां पे देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक बार रिपीट करता हूं इसको मैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरे पास कौन कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहां पे अवेलेबल हैं बच्चों। यहां पे देखिए ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनटू क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 KT यानी RT, ये आ जाएगी मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी, गैसेस की सारी एनर्जी क्या है काइनेटिक है, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास FT की वैल्यू रखो, FT की वैल्यू हमें पता है बच्चों कितनी होती है, 3 होती है, तो मैंने 3 वैल्यू यहां पे रखी, तो मेरे पास टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, जल्दी से बताइए, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 इनटू क्या आ जाएगा, एन मोल्स के लिए अगर बात करूं तो एन भी ले लीजिए डजंट मैटर, एन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कितनी आ जाएगी 3/2 nRT आ जाएगी, ये आ गई इक्वेशन 1। अब देखो आप मुझसे बेहतर मैथमेटिक्स जानते हो बच्चों, तो यहां पे देखिएगा जरा एक बार, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है CV इज इक्वल टू होता है हमारे पास, क्या होता है बच्चों जल्दी से बताइए, CV इज इक्वल टू होता है हमारे पास DE/DT, CV इज इक्वल टू क्या होता है DE/DT, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा DE/DT, रख दीजिए वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों, फटाफट से बताइए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। अगर CVM लेके चलूं, एक मोल के लिए लेके चलूं, तो एक मोल के लिए 1/n ले लोगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2, कितना आ जाएगा 1/n अगर आपने मल्टीप्लाई किया पर मोल, ये CVM लेके चल रहे हैं तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, अगर आप M नहीं लेना चाहते डजंट मैटर, N को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी से, ये आ जाएगा 3/2n इंटू R इंटू आ जाएगा D2/2 इंटू आ जाएगा DT/T, बोलिए जल्दी से, क्लियर या नहीं। तो देखिएगा जरा एक बार ध्यान से, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आउट, तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, यहां से देखिए ये आ गया हमारे पास 3/2 nR, कितनी आ जाएगी 3/2 nR, तो यहां पर हमारे पास ये आ गई CV की वैल्यू। अब CP की वैल्यू ले लीजिए बच्चों, एक बार जल्दी से CP की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए फटाफट से क्या आएगी, अगर मैं CP की वैल्यू निकाल के देखूं पर मोल, तो पर मोल मेरे पास CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 nR प्लस कितना आ जाएगा R, तो यहां पे देखिए जरा एक बार ये आ जाएगी मेरे पास 5/2 इंटू nR। तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी CP/CV दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2 nR अपॉन नीचे आ जाएगा 3/2 nR। तो यहां पे देखो आप कैलकुलेट कीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए, खुद फील आना जरूरी है, अगर आपको महसूस नहीं हो सकता बच्चों तो याद रखिएगा आप लोगों को फिर रिकॉल भी नहीं होगा, महसूस यहां से कीजिए सबसे पहले। अगर आपको सब्जेक्ट को महसूस नहीं करना है, यानी आपने इसे रटना नहीं है, रट के कर भी नहीं सकते इसे, कैसे रटोगे इतनी चीजों को, तो आपने क्या करना है, इसे सीधे निकाल सकते थे, मैं निकाल के दिखा रहा हूं, हालांकि सीधे मैं भी रख सकता था कि 3/2 आर होती है, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। तो प्रोसीजर आप देखिए एग्जैक्टली कैसे निकाला जाता है। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, गामा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3 आ जाएगी, 5/3। 5/3 का मतलब कितना होता है बच्चों, 1.67। तो ये आ गया हमारे पास गामा की वैल्यू। तो ये गामा की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। तो अब के बाद याद रखिएगा गामा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब दूसरे में आइए, दूसरे केस पे चलते हैं। चलिए दूसरे केस पे चलिए, हमें बोला गया है हाइड्रोजन गैस के लिए निकालिए। हाइड्रोजन गैस के लिए यहां पर देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि हाइड्रोजन गैस के लिए निकालना है, तो मैं यहीं पे निकाल के दिखाता हूं आपको। हाइड्रोजन गैस के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, अगर मैं बी को लेके चलूं तो हाइड्रोजन गैस के लिए मेरे पास टेम्परेचर मेंशन नहीं है, वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं करना है, तो हमारे पास FT कितना हो जाएगा, FT हो जाएगा 3, FR हमारे पास कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिए जरा एक बार, FT 3 है, FR 2 है, क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं है, या तो टेम्परेचर वेरी लो दिया हो या वेरी हाई दिया हो, मॉडरेट दिया हो, तो यहां पे मॉडरेट ही लेके चलना पड़ेगा रूम टेम्परेचर। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, E टोटल यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगी बच्चों इस बार, दैट विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, ये होगी मेरे पास 60%, और वाइब्रेशनल मेरे पास कितनी होगी रोटेशनल 40%। तो देखिएगा जरा एक बार, अगर परसेंटेज पूछ ली जाए, जे एडवांस में पक्का पूछेगा, तो क्या आएगी हमारे पास, आ जाएगी E इज गोइंग टू बी कितना आ जाएगा बच्चों, E इज गोइंग टू बी हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3/2 इंटू RT 1 मोल के लिए, और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2/2 RT। तो यहां से हमारे पास 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर 1 मोल। तो हमारे पास E टोटल कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां से देखिए ये आ गया हमारे पास 5/2 RT। तो हमने क्या किया, CV निकाल लिया, CV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा D/dt, दैट विल बी इक्वल टू CV इज इक्वल टू आ जाएगा DE/dt, दैट विल बी इक्वल टू 5/2 R। CP कितना आ गया हमारे पास 7/2 R। तो यहां पे हमने गामा निकाल डाला, तो एकदम से लाइव झिंगा लाला, गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, CP/CV कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/5, कितना आ जाएगा 7/5, दैट इज 1.4। तो यानी आप सीधे सीधे निकाल सकते हो गामा की वैल्यू। अब देखिए क्लियर है बिल्कुल। अब तीसरे कंडीशन में आओ, एट लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर वेरी लो टेम्परेचर दे दिया तो इस केस में हमारे पास सारी कंडीशन ही बदल जाएंगी। E ट्रांसलेशनल कितनी होंगी 3, E रोटेशनल हमारे पास कितनी हो जाएंगी 0, E रोटेशनल 0 हो जाएंगे, यानी लो टेम्परेचर पे रोटेशन आप कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एक बार देखिए, रोटेशन आप कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस के लिए C पार्ट लेके चल रहा हूं, एट लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हमें क्या दिया गया हो बहुत कम, तो उस केस में बच्चों कभी गलती से भी आप रोटेशनल कंसीडर मत कर लेना। तो याद रखना है FR विल बी 0, FT FV विल बी 0 ओनली। टोटल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो क्या होंगी, ट्रांसलेशनल होंगी, दैट विल बी 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, CV इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 R, CP हमारे पास कितना आ जाएगा 5/2 R, हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3, दैट इज 1.67। तो नोट कर लीजिएगा हाइड्रोजन गैस के लिए, नोट कर लेना बच्चों, हाइड्रोजन गैस के लिए, फॉर हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मोनो एटॉमिक की तरह बिहेव करती है वो, यानी गामा की वैल्यू बदल जाती है, गामा की वैल्यू बदल जाती है, गामा की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, बदल जाती है। आर बी क्लियर अबाउट इट, ये बातें आपको समझ में आ रही है। अगर मैं इसके आगे लेके चलूं तो यहां पे देखिए, इसके आगे एट वेरी हाई टेम्परेचर बदल गई वैल्यू। वेरी हाई टेम्परेचर पे देखिए जरा एक बार, मैंने वेरी हाई टेम्परेचर लिया, यानी डी पार्ट में मैंने क्या लिया, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर अगर मैं लेके चल रहा हूं बच्चों, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा वेरी हाई टेम्परेचर पर बच्चों E ट्रांसलेशनल कितनी हो जाएंगी, 3 ही रहेंगी, E रोटेशनल ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकती हैं, F सॉरी। तो ये हमारे पास F है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, F। तो एक बार देखिएगा, ये लिखने में कई बार मिच टेक हो जाती है। तो एफ ट्रांसलेशनल हमारे पास 3 है, एफ रोटेशनल हमारे पास कितनी है बच्चों 2 हो जाएंगी, और एफ वाइब्रेशनल हमारे पास 1 आ जाएगी। भाई डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे तो वाइब्रेट कर ही सकता है ना, तो यहां पे बच्चों नोट कर लीजिए हाई टेम्परेचर पे ये हो जाएगा। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी 3/2 RT, प्लस क्या आ जाएगा बच्चों यहां से देखिए, प्लस आ जाएगा 2/2 RT और प्लस आ जाएगा RT। तो यहां से हमारे पास कितनी हो जाएगी टोटल, जरा एक बार जोड़ के देखिए तो इसे 7/2 RT प्लस RT, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2 RT। तो ये देखिए जरा एक बार, ये 3/2, 5/2, 7/2 हुआ ये, तो ये हुआ हमारे पास 5/2 RT। कितना हुआ ये 5/2 RT, और ये हो गया हमारे पास 7/2 RT। कितना हो गया 7/2 RT। तो यहां पर देखिए जरा एक बार CV कितना हो गया हमारे पास 7/2 R, CP कितना हो जाएगा हमारे पास 9/2 R। हमारे पास गामा की वैल्यू बताओ जरा एक बार बच्चों जल्दी से। गामा इज इक्वल टू होता है CP/CV। तो गामा की वैल्यू आप लोग खुद बताइए, गामा की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, 9/7 आएगी कि नहीं आएगी, निकालिए। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 9/7, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 पॉइंट। देखिए ध्यान से 2 बचता है तो यहां पे आ जाएगा 1 पॉइंट, उसके बाद 28। तो ये आ जाएगी हमारे पास गामा की वैल्यू हाइड्रोजन गैस के लिए। यानी मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूं, देखो कितना सिंपल लेके चल रहा हूं। यानी आपको एक बात पता चल गई, हाइड्रोजन गैस के लिए टेम्परेचर ना दिया हो तो वो वैल्यू लोगे जो आपको बुक्स में दी जाती है। अगर टेम्परेचर बहुत कम दे दिया 20 केल्विन, 50 केल्विन, तो आप क्या करोगे, वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों को नेग्लेक्ट मार दोगे। अगर आपको क्या दे दिया जाए बच्चों बहुत ज्यादा टेम्परेचर 400 केल्विन, 500 केल्विन, तो आपको वाइब्रेशनल को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये बात आपको पक्के से समझ में आ गई होगी। आई एम श्योर आपको ये जेई लेवल की बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जेई में ये तो नहीं पूछा जाएगा जो सबको मालूम है, एवरीवन नोज। हाइड्रोजन गैस के लिए किसी से भी पूछोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV, इमीडिएटली बोलेगा विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। अगर कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आप पूछ के देख लीजिएगा, फॉरगेट अबाउट अश्वनी त्यागी, फॉरगेट अबाउट अनअकैडमी जेई, आप एक बार पूछ के देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV फॉर हाइड्रोजन गैस, एकदम से निकल के आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 5/2 R, सीधे बोलेंगे 5/2 R। यानी उन्हें मालूम ही नहीं है कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो जानी है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होते हैं जिसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आप पूछ के देखिएगा, आप अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, अपने छोटे भाई से, बड़े भाई से पूछ के देखिएगा, सीधे आंसर वही आता है। तो नॉर्मली जो जिसने जेई की तैयारी ना की हो उनसे पूछोगे तो आंसर यही आएगा, क्योंकि बोर्ड में यही होता है, जेई मेन लेवल पर यही होता है कि हाइड्रोजन की वैल्यू, CV की वैल्यू 5/2 R, हाइड्रोजन गैस है CV की वैल्यू 5/2 R, नाइट्रोजन गैस है CV की वैल्यू 5/2 R, जबकि CV की वैल्यू बदलती रहती है टेम्परेचर के साथ बच्चों। तो ये जेई वालों को मालूम है, क्योंकि वो जो वहां पे पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते पढ़ाते सठिया चुके हैं, 40 साल से पढ़ा रहे हैं। तो IITs में हम देखते थे वो छोटी सी बात पर खिंच जाते थे, यानी छोटी सी बात हमने कर दी, अगर नाक भी खुजला रहे हो तो वो उसी बात पर गुस्सा हो जाएंगे। आपने देखा है ना कि मशीन की डेफिनेशन बताइए, 3 इडियट्स तो देखी है। तो चलिए आगे बढ़िए जल्दी से, सारे इंजीनियर्स ने देखी है। ऐसे ही आप SO3 के लिए निकालोगे, SO3 के लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, SO3 के लिए अगर मैं बात करूं किसकी, SO3 के लिए जरा एक मिनट, SO3 के लिए मैंने बात की तो SO3 के लिए आप निकाल सकते हो, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो SO3 के लिए हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें पता है, तो यहां पे SO3 और SO2 के लिए जरूर निकालिएगा बच्चों, कंसिडरिंग 20% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। अगर आपसे नहीं निकलता है तो आई विल शेयर दी सॉल्यूशंस, क्योंकि इतना ज्यादा वक्त इस पे इन्वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैविंग F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द एडियाबैटिक इंडेक्स इज गिवन बाय, एक मॉलिक्यूल है ऑफ अ गैस हैविंग F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो एडियाबैटिक इंडेक्स बताइए क्या होगा, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D, बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से आपको सही लगता है। तो यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक इंडेक्स है हमारे पास, तो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 3/2 FnRT। कितनी आ जाएगी 3/2 FnRT हो जाएगी। तो हमारे पास CV की वैल्यू निकालो जरा भक्तों, तो CV की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहां पे देखिएगा Fn, तो n तो हमारे पास जो भी है F है हमारे पास, इंटू क्या है n है, इंटू R हो जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास CV की वैल्यू। CP की वैल्यू निकालिए, CP की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3/2 F इंटू N इंटू R, प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस R हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिए, इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों में से हमने यहाँ पर देखिए एफ को कॉमन निकाला, या 3/2 एफ को कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ से 3/2 एफ को कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, या f/2 कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा CP/CV। देखिएगा CP/CV मैंने लिया तो दैट विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, R कॉमन ले सकते हैं, बाकी कोई और चीज कॉमन नहीं आ रही है, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा है, N कॉमन लिया जा सकता है, नहीं N भी नहीं ले सकते, तो R कॉमन लिया आपने तो R तो कट गया, तो हमारे पास आ गया 3/2। हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से ये आ जाएगा 3/2 इंटू FN, तो ये आ जाएगा हमारे पास FN प्लस क्या आ जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास बच्चों R से R कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 F। तो हमने दोनों की वैल्यू यहां से हमारे पास गामा इजुकल टू कितना आ जाएगा बच्चों, गामा इजुकल टू देखो इससे ये FN यहां से ये कटा और यहां से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/, तो ये N 1 मोल के लिए, पर मोल के लिए बात की है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडेक्स 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के लिए, तो फॉर 1 मोल ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, दिस N इजुकल टू 1 के लिए हमारे पास आ जाएगा 1 + 2/F। आप देख लो जरा एक बार निकाल के, सीधे सीधे वैल्यू कितनी आ रही है 1 + 2/F आ रही है कि नहीं, तो यहां से हमारे पास 3/2 नहीं आएगा बेटा, ये F/2 आएगा, ये यहां से 3 हटा दीजिएगा, ये क्या होता है 1/2, सॉरी ये क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 आपने रखना है, वो 3/2 दिमाग में सटिया गया हूं मैं भी, तो यहां पे देखिएगा जरा एक बार, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2 नहीं बेटा, ये 1/2 रहेगा, कितना रहेगा ये 1/2, तो 1/2 तो ये आ जाएगा 2/F, तो यानी गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी भी गैस के लिए अगर F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 1 मोल के लिए, तो हमारे पास गामा की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1 + 2/F ही रहेगी, तो ये बात आप याद रखिएगा, वेयर F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर हमें मालूम है, पटको वैल्यू एकदम आंसर निकल के आएगा, तो देखिए जरा एक बार आंसर क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/F आ जाएगा। क्लियर है, बढ़िया। आगे ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, देखिए एक बार, दी एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा फॉर अ 3 डायमेंशनल एन एटॉमिक गैस एट मॉडरेट टेम्परेचर, बताइए क्या होगा, एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर क्या होगा। बस 2 ही क्वेश्चन है, देखिए जरा एक बार, ए वाले पार्ट को लेते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर पे है, तो एट मॉडरेट टेम्परेचर बच्चों आप लोगों को रटा देना है, मैंने ये सब्जेक्ट आप लोगों को लगना चाहिए कि यार जेई लेवल पे पढ़ रहे हो, अगर कोई चीज छूट जाए तो फिर जेई लेवल कहां बचा। जेई का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी हर चीज को कवर करते हुए चलना, जेई का मतलब है एक छोटी सी बात भी अगर छूट गई आपसे, आपके कॉन्फिडेंस के लिए वो कोरोजन का काम करेगी। अगर आपसे एक छोटी सी चीज भी छूट जाए, जब मैं जेई का एग्जाम देने जा रहा था तो हाथ ऐसे कांप रहे थे, मेरा दोस्त था मोहित गोयल, वो साइकिल चला रहा था और मैं आगे पाइप पे, जैसे बॉलीवुड में हीरोइन बैठे होते हैं या हीरो बैठे होते हैं, वैसे बैठा हुआ था, तो 2 दोस्त चले हुए जा रहे थे, तो हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, जब जेई एडवांस देने जा रहे थे, सब्जेक्टिव टेस्ट था, तो हालत ये थी कि ऐसे ऐसे कांप रहे थे। तो रास्ते में रुके, पानी पिया, सोचा कि चलो भाई अब पानी पी लेते हैं, तो व्हाट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस दैट टाइम, कि यार मैंने 100% मुझे नहीं आता, फॉर श्योर नहीं आता था, 90% मुझे आधा कच्चा आता था, 80% मुझे बहुत अच्छे से आता था। मुझे टीचर ने बोल के भेजा था कि यार अगर आप 60% पेपर सॉल्व करके आओगे तो IIT में बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, 70% करके आओगे तो टॉपर में आ जाओगे, अगर 80% करके आ जाओगे तो टॉप 10 में आ जाओगे, 80% से ऊपर करने की जरूरत ही नहीं आपको। तो यानी उस टाइम पे 2000 से 2010 के बीच में जो पेपर आते थे खतरनाक होते थे बिल्कुल, तो मैंने यही सोचा कि यार 80% अच्छे से आता है, अगर मैंने 60 भी किया तो सिलेक्शन हो जाएगा, दैट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। तो वैसे ही बूस्ट होता है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पे भी देखिए, आपको अगर पूरा आता है तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा, अगर पूरा नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जरा एक बार, एट मॉडरेट टेम्परेचर पे हमारे पास FV क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, FV 0 हो गई। अब ये हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल गैस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा CV। हमारे पास CV, अगर मैं CV निकालने से पहले सबसे पहले आप देखिए हमारे पास FT कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 3, और हमारे पास FR कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, क्योंकि 3 डायमेंशनल है ये, तो ये मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके चल रहे हो आप। तो हमारे पास CV कितना हो जाएगा, CV हमारे पास हो जाएगा बच्चों 3/2R + 3/2R, तो कितना हो जाएगा 3R, और हमारे पास CP कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो हमारे पास CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा, दैट विल बी इक्वल टू 4/3, दैट इज 1.33, सीधे सीधे आपने निकाल दिया। लेकिन अगर बोला जाए हाई टेम्परेचर पे लेके चलो, तो हाई टेम्परेचर पे तो पंगा हो गया ना यार। हाई टेम्परेचर पे हमारे पास कितना हो गया, हाई टेम्परेचर पर हमारे पास क्या हुआ, देखिए हाई टेम्परेचर पे पूरा गणित ही बदल जाएगा। हमारे पास एक पॉली एटॉमिक गैस है, हाई टेम्परेचर पे लेके चल रहे हो, तो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होगा यार, हाई टेम्परेचर पे हमारे पास एफ ट्रांसलेशनल कितनी होंगी, 3 होंगी, एफ रोटेशनल कितनी होंगी, 3 होंगी, एफ वाइब्रेशनल कितनी हो जाएंगी, 3n - 6 हो जाएंगी। क्यों 3n तो हो जाएंगी टोटल, 3 ये और 3 ये घटा दो आप, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर इंटरनल एनर्जी निकाल ली, तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 3/2 RT + 3/2 RT। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, जल्दी से बोलिए, ये आ जाएगा 3/2 RT + 3/2 RT। तो ये हो जाएगा 3 RT, ये आ जाएगा हमारे पास 3 RT प्लस 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 प्लस, हमारे पास इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ये आ जाएगी 3n - 6 × RT। तो यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा, E टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 3n - 3 RT, कितने आ जाएगी 3n - 3 RT। तो ये है हमारे पास इक्वेशन किसकी, इंटरनल एनर्जी की, किसी भी पॉली एटॉमिक गैस के लिए एट हाई टेम्परेचर। तो हमारे पास CV वैल्यू कितनी हो जाएगी, d/dt। तो क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास dE/dt, दैट विल बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी 3n-, ध्यान से देखिए 3n - 3 और साथ में क्या आ जाएगा R। तो CV कितना आ जाएगा हमारे पास, CP कितना आ जाएगा हमारे पास 3n - 2R, ये आ जाएगा। तो CP/CV निकालिए, तो हमारे पास CP/CV गामा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3n - 2 / 3n - 3। तो देखिए जरा एक बार, यहाँ पे n क्या है बच्चों, n = है एटॉमिसिटी, n = क्या है, एटॉमिसिटी। और याद रखिएगा n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये बात याद रखिएगा, ट्राई एटॉमिक या उससे ज्यादा होना चाहिए तभी ये वैलिड है, वरना ये वैलिड ही नहीं होगा। तो बच्चों आपको देख रहे हैं, आप बताइए मुझे जल्दी से, IIT वाली फील आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर फील नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये जो हम लगातार चिल्ला रहे हैं आपके साथ, इसका कोई फायदा फिर नहीं है। तो आपको फील आनी चाहिए कि यार ये IIT लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा उसको। तो चलिए लगातार प्रूव करते हुए हमें आगे बढ़ना है बच्चों। जल्दी से बताइए ये बात आप लोगों को क्लियर या नहीं। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे बच्चों, बात करेंगे इसके आगे की। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। ये क्वेश्चन के ये रहे वेरिएबल, यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ABCD। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो गामा = आ जाएगा CP मिक्सचर आ जाएगा CV मिक्सचर। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा 1.5। तो यहां पे देखिए 1.547, तो 1.547 ये आंसर आ जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया गया है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों। सॉल्व नहीं होता है तो बेटा बिल्कुल हेजिटेट मत करना प्यारे बच्चों, प्लीज फील फ्री, टीचर इज लाइक अ पेरेंट। आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। अगर अब शर्माओगे तो फिर पूरी जिंदगी शर्माते ही रह जाओगे। तो बी अ लिटिल बेशर्म, आप याद रखिएगा, डोंट हेजिटेट। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो पूछिए मुझसे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए जल्दी से बात करेंगे इसके आगे की, फटाफट से बात कर रहे हैं इसके आगे की। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बात करेंगे एक आइडियल गैस है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन आपने देखा है बच्चों, बिल्कुल देखा होगा। ये क्वेश्चन JEE का है, तो JEE का क्वेश्चन है, JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन है बच्चों। ये किसका क्वेश्चन है, JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन है। देखिए जरा, मैं इसको आपको मैथमेटिक्स से ही करके दिखाता हूं। हालांकि इसे करने के 3 तरीके हैं, इसे करने के 3 तरीके हैं, बाकी 2 क्लास के बाद में, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। देखिए पहला मेथड यूज करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमें क्या पता है बच्चों, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास, सबसे पहले हमें पता है हमारे पास DQ = क्या होता है बच्चों, DQ = होता है DE - क्या होता है PdV। DQ = क्या होता है -DW होता है। तो यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आ जाएगा, DQ = आ जाएगा DE। DE क्या होता है NCV/DT और DW क्या होता है -PdV। देखिएगा आप ध्यान से, देखो ये एडवांस लेवल पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। JEE एडवांस का क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 2012 या 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां से देखिए ये आ जाएगा मेरे पास DQ = आ गया मेरे पास NCV/DT और प्लस क्या आ गया, PdV आ गया। आ गया है नहीं। अब हमें पता है हीट कैपेसिटी पूछी गई है, तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू मैंने कल पढ़ाया था आपको dq बाई dt होती है पटको वैल्यू dq बाय, तो क्या आ जाता है हमारे पास, ये होता है ndt, dq बाय ndt होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ cv मोलर। मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहा है वो, किसके लिए बोल रहा है तो बताइए, हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस, इसके लिए बोला गया है 1 मोल गैस के लिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी यानी मोलर हीट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, मोलर हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं मालूम, ये आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, वैल्यू पटको यहां से, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, नोट कीजिएगा ये बात, सी की वैल्यू आ जाएगी एनसीवी डी टी प्लस क्या आ जाएगा पीडीवी अपॉन, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा बच्चों एनडीटी, नीचे क्या आएगा एनडीटी, देखो ये एनडीटी, डीक्यू की वैल्यू हमने यहां से रख दी है, डीक्यू की वैल्यू कहां से रखी है, इक्वेशन 2 से, तो यहां पे देखो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एनडीटी से एनडीटी कटा तो ये आ गया सीवी प्लस यहां पे आ जाएगा पीडीवी अपॉन एनडीटी। तो बच्चों नोट कर लीजिएगा, इसे मैं ब्लैक कलर से जो बॉक्स कर रहा हूं, प्लीज इसके आज के बाद बच्चों इस वाले रिलेशन को आप जितने भी आप फिजिकल यानी फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स या केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स वहां पे इसे रिलेशन की फॉर्म में यूज कीजिए, फॉर्मूले की फॉर्म में यूज कीजिए कि किसी भी गैस की हीट कैपेसिटी क्या होती है, अगर आपको ना दी गई हो, किसी भी गैस की हीट कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, सीवी प्लस पीडीवी बाय एनडीटी होती है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा, गैस के लिए ये वैल्यू बदलती रहती है, पीडीवी बाय एनडीटी की वैल्यू बदलती रहेंगी। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, अब हम ये लेके चलते हैं बच्चों, पीवी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू केवी है, तो हमने क्या किया, हमने ये वैल्यू यहां पे यूज कर ली, हमें पता है पी इज इक्वल टू क्या दिया गया, हमें केवी दिया गया है, तो और साथ में आइडियल गैस के लिए क्या होता है बच्चों, PV इज इक्वल टू होता है nRT, तो P की वैल्यू पटको यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा K इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा nRT, यहां पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया, करो डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा 2KV dV इज इक्वल टू आ जाएगा nRDT, यस और नो। देखिए एडवांस लेवल की फील आई कि नहीं, ये 2012 का ही क्वेश्चन है, 2011-12 में से एक या 13, उन 3 सालों में से आप चेक कर लीजिएगा। यहां से हमारे पास केवी की वैल्यू क्या होती है, पी होती है, रखो पी, तो ये आ जाएगा 2 PdV इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास nRDT, क्या आ जाएगा nRDT, एनडीटी को नीचे लाइए, 2 को उधर ले जाइए, तो आ जाएगा हमारे पास पीडीवी अपॉन एनडीटी, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, R/2, कितना आ जाएगा R/2। इसे करने के बहुत सारे मेथड हैं, ये एक मेथड है जो बिल्कुल क्लासिकल है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन मैंने मान लिया 4 आ गई। तो जरा एक बार देखिए यहाँ पे सीवी प्लस पीडीवी बाई एनडीटी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू इमीडिएटली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी C इज इक्वल टू आ जाएगा CV प्लस R/2। तो ये क्वेश्चन JEE में पूछा गया है बच्चों, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, JEE में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जाते हैं JEE में, तो यानी ये केमिस्ट्री में पूछा गया था फॉर्चुनेटली, अगर ये फिजिक्स में भी होता तो भी आप निकाल सकते थे। मुझे ये बताइए बस, ये बात आप लोगों को क्लियर या नहीं, एक बार फिर से दोबारा से बताता हूं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए दोबारा से एक बार इसको मैं रब करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए दोबारा बताता हूं। यहां पे देखिए हमें क्या बोला गया है कि एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ प्रोसेस बाय विच, जिसके लिए क्या हमारे पास P इज इक्वल टू केवी है। तो इसमें हमें बोला गया, बताइए कि प्रूव कीजिए C इज इक्वल टू सीवी प्लस R/2 आएगा। यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया था क्वेश्चन, वहां पे हमें प्रूव नहीं करना था, वहां पे C इज इक्वल टू सीवी प्लस R/2 आर सीवी प्लस आर, तो ये वाले क्वेश्चंस थे। तो यहां पे देखिएगा बच्चों एक ऑप्शन ये था, तो यहां पे कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया बच्चों, यहां से हमने निकाल लिया कि dq इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या हो जाएगी dE और साथ में क्या आ जाएगा माइनस dW ऑन पटकिंग दी वैल्यूज, dq इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एनसीवी dt, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों जल्दी से बोलिए, ये आ जाएगा एनसीवी dt और माइनस माइनस प्लस pdv हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 लीजिए, हमें पता है C इज इक्वल टू होता है dq अपॉन ndt होता है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। तो यहां पे हमारे पास हमने dq की वैल्यू पुट कर दी, क्या की हमने कर दी, तो जैसे ही बहुत ही डिफिकल्ट वैल्यू आएगी बच्चों, हमने यहां पे क्या किया C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dq की ऑन पटकिंग द वैल्यू ऑफ dq इट विल बिकम बच्चों ncv dt प्लस क्या आ जाएगा pdv और नीचे क्या आएगा बच्चों, जोर से बोलो क्या आएगा ndt एन डी टी से ऊपर और नीचे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा बच्चों जल्दी से, ये आ जाएगा हमारे पास एन से एन खल्लास, डी टी से डी टी खल्लास, ये बचेगा सी वी और प्लस आ जाएगा पी डी वी अपोन एन डी टी, पी डी वी अपोन एन डी टी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हम ये वैल्यू निकाल लें तो हमने क्या किया, हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से यहाँ पे पी की वैल्यू के वी रख दी तो हमारे पास आ जाएगा के इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा टू के वी इंटू डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा एन आर डी टी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, के वी की वैल्यू पी वापस रखो तो आ जाएगा टू पी डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा एन आर डी टी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों पी डी वी अपॉन एन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा आर बाई टू, तो ये आर बाई टू ऑन पटकिंग दी वैल्यू सी वी, सी इज इक्वल टू आ जाएगा सी वी प्लस आर बाई टू। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, और ये जे एडवांस में पूछा गया है। इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है जो चुटकियों में निकाल सकते हो आप, इसे सॉल्व करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, वो आपको अगर मैं अभी बताऊंगा तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको आना चाहिए उसके लिए। अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं आता है तो दूसरा तरीका बताने का कोई फायदा नहीं होगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, पी वी रेस टू दी पार सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पर देखिए ये दूसरा मैथड है। सेकेंड मैथड देखिए जरा एक बार, सेकेंड मैथड देखिए, किसी भी प्रोसेस में पी वी रेस टू दी पार सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमें बोला गया है पी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, के वी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी इंटू वी रेस टू दी पावर माइनस वन इज इक्वल टू के। तो ये वैल्यू भी आप कर सकते हो, ये भी दूसरा मेथड है बच्चों। तो यहां से हमारे पास देखो ये वैल्यू क्या पता चल रही है हमें, ये वैल्यू हमें पता चल रही है माइनस वन। तो यहां से हमारे पास जैसे ही वैल्यू रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा सीपी की वैल्यू आप रख दो तो यहां से आ जाएगा सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी वी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, यहां से सी इज इक्वल टू आ जाएगा सी वी प्लस आर बाई टू। तो आप नोट करके देख लीजिए, देखिए ये शॉर्टकट है इसका। तो यानी शॉर्टकट मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन को फिजिकल केमिस्ट्री, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। उनको आपके ऊपर है कि आप वो अभी धीरे धीरे सिखाए जाएंगे। एकदम से जब हमने साइकिल चलानी सीखी थी बच्चों, तो याद है आपको जब हमने साइकिल चलानी सीखी थी तो शुरुआत में क्या करते थे, कैची चलाते थे फ्रेम में पैर डाल के, उसके बाद पाइप पे बैठ के चलाते थे, उसके बाद सीट पे बैठ के चलाना सीखा जब हमने सीखा, क्योंकि बड़ी साइकिल पे सीखा था। तो कहने का मतलब ये है एकदम से स्टंट नहीं कर सकते, केमिस्ट्री में आप फंस जाएंगे। तो जल्दी से देखिए, क्लियर है ना ये बात आप लोगों को। जल्दी से अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे बच्चों, बात करेंगे इसके आगे की। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे सॉल्व। आंसर आ जाएगा 3R बच्चों। ये आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। कल बात करेंगे बहुत डिटेल में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, कैसे आते हैं ये ग्राफ्स, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में स्टेप में प्रोसेस को कैसे डील करते हैं। तो अब थर्मोडायनेमिक्स में आपको कम से कम ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि क्वेश्चन मुझसे जे एडवांस लेवल पे अगर पूछा गया तो मैं फंसूंगा नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है बच्चों। तो ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सारे ग्राफ्स कल मैं आपको कराने वाला हूं, और साथ में एक लब्बो लुआब भी दूंगा कि रिवर्सिबल में कैसे लेते हैं, इरिवर्सिबल में कैसे लेते हैं, इनफाइनाइट फ्री एक्सपेंशन में कैसे वर्क डन निकालते हैं, फाइनाइट फ्री एक्सपेंशन में कैसे वर्क डन निकालते हैं। दोनों का अलग अलग मतलब होता है। फ्री एक्सपेंशन दो तरह की होती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट। ये दोनों आपको जे एडवांस में पूछी गई हैं। 11th क्लास की टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। 11th क्लास के लिए बच्चों मैं डेली आपके साथ लाइव आता हूं मंडे ट्यूसडे वेंसडे में, ठीक 8, 8:30 बजे 8:30 PM पे मैं आपके साथ लाइव आता हूं, जो आपको 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स एडवांस लेवल पे पढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हुए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आपके साथ मैं डीपीपी डिस्कशन में आता हूं बच्चों 3 PM पे। कितने पे? 3 PM पे लाइव। तो डीपीपी डिस्कशन में यानी थर्मोडायनेमिक्स की सारी डीपीपी इस हफ्ते सॉल्व होंगी। आगे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस, ये खान में जाने का आपको रास्ता पता है बच्चों। livedaily.me/JEE टाइप करेंगे तो आप सॉर्टेड वे में सारी लेक्चर, सारे PDF आप एक्सेस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं बच्चों, तो सोचिए मत। 1 अक्टूबर से फ्री स्टाइल में प्लस पे हम लोग पढ़ेंगे। यूट्यूब की अपनी लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर पढ़ाना मतलब यहां पर टीचर अगर चाहेगा भी तो भी अपना 70-80% दे सकता है। प्लस पे आइए, किसी डाउट सेशन में आइए और फ्री स्टाइल में एक क्लास डाउट्स की लगा के देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आईआईटी लेवल पे डाउट्स लिए कैसे जाते हैं और बताए कैसे जाते हैं और आपको कैसे समझ में आते हैं। तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए लाइव क्लासेस आपको वहां पे मिलती हैं बच्चों, रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर कभी आपसे क्लास छूट जाए तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, यानी 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है, एक पर्सनलाइज्ड फील रहती है, बच्चे को मालूम होता है दैट ही इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। आगे बढ़ते जाते हैं बच्चों, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, इससे आपको पता चलता है कि आप हजारों बच्चों में आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपका स्ट्राइक रेट क्या है, आप जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे उतने उसे कितनी जल्दी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चों, बात करेंगे इसके आगे की, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस। साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके होते हैं जिनमें आपको पढ़ाया नहीं जाता बच्चों, सिखाया जाता है। मैं तो बिल्कुल फ्री स्टाइल में आपके डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगा जिसमें आप जेई मेन से लेके जेई एडवांस लेवल का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से किसी भी मोमेंट पे पूछ सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए बच्चों जल्दी से, यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर एमिनेंट ऑथर पढ़ाते हैं जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश भी रहेगी क्योंकि अच्छे बच्चों की जरूरत हर टीचर को है। तो जल्दी से आगे आ जाइए बच्चों। सबसे पहला स्टेप क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद प्लस सेक्शन पे जाएंगे, क्लिक कीजिए आईआईटी जेई कैटेगरी पे, इमीडिएटली सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक करते ही आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे जिनमें से 1 ईयर और 2 ईयर, दीज आर बेस्ट मॉडल्स फॉर यू गाइस। 1 ईयर किसके लिए, जो 12th में है या जो इस बार री इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यानी ड्रॉप कर रहे हैं। 2 ईयर किन के लिए, जो 9th में है, 10th में है या 11th में है। आपने कोड यूज करना पड़ेगा, तभी यूज कीजिए जब आईआईटी में जाना हो, वरना बहुत सारे कोड हैं, बहुत सारे आईआईटीज में आप जा सकते हो। तो यानी ATJ कोड के लिए सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट्स ओनली। तो यहां पर आपने क्या करना है, ATJ कोड यूज करना है क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हो तो आपके साथ मेरी रिस्पेक्ट, मेरी जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो जुड़ जाती हैं। तो वो जब टूटेंगी, आपकी टूटेंगी आपको दुख होगा, मेरी टूटेंगी तो मुझे भी दुख जरूर होगा। तो जरूर आप याद रखिएगा बच्चों, सिंसियर स्टूडेंट्स सिर्फ 10, 15, 20, 25, 100, 500 डजंट मैटर, सिंसियर ओनली। यहां पे ATJ कोड के साथ आप आइए, सबसे पहला फायदा आपको होगा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा बच्चों। मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हम जेई मेन लेवल से जेई एडवांस लेवल तक करेंगे, यानी लेक्चर्स डिफाइंड होंगे, ये जेई मेन लेवल है, ये जेई एडवांस लेवल है, ताकि आपको धीरे धीरे अपलिफ्ट किया जा सके। साथ में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा टारगेट है 280+, ये सपना बच्चों साकार होके रहेगा अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो तो। 280+ लाना इज अ वेरी वेरी फिजिबल थिंग, ये बिल्कुल फिजिबल है। तो आगे बढ़ जाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट पड़ेगी बच्चों 34,650 रुपीज, जबकि 2 ईयर के लिए आपकी ये कॉस्ट रहेगी बच्चों 50,400, यानी ये वाला लगभग 2100 रुपीज पर मंथ और ये वाला लगभग 3100 रुपीज पर मंथ के आसपास आपको कॉस्ट करता है। तो यानी कितना सिंपल है, यानी 2500 यानी उसी के आसपास ये कॉस्ट करता है। तो आप देख सकते हो, कैलकुलेट आप कर सकते हो, मैथ्स आपका मुझसे बेहतर है, समीर सर ने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो जल्दी से आप देख लीजिए, अगर आप आना चाहते हो तो 1 अक्टूबर से मैं बैचेस लॉन्च कर रहा हूँ, डे 1 से ज्वाइन कीजिएगा ताकि मुझे पता रहे आपकी कमियों का, आपके प्लसेस का, जिसको हम आगे ले जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जेई चैनल इंडिया का नंबर 1 चैनल है बच्चों, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी जेई को इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनना है। ये एक एलीट फैमिली है बच्चों जो डे बाय डे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। हमारे सिस्टर चैनल 9, 10, 11, 12 ये चैनल्स आप देख सकते हो, अनअकैडमी स्कूल के अंडर में आते हैं। अनअकैडमी नीट और साथ में जस्ट नीट, जिसपे मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों, पूरे वीकडेज में भी मैं जस्ट नीट पे होता हूं। तो जस्ट नीट चैनल पे आप जेई मेन लेवल के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, जेई मेन लेवल के लेक्चर्स आपको जस्ट नीट पे मिल जाएंगे। तो यहां पर जस्ट नीट पे जेई मेन लेवल के लेक्चर्स मैं लेता हूं बच्चों, तो यहां पे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जेई मेन लेवल फील आएगी आपको, जेई एडवांस बिल्कुल भी टच नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये अनअकैडमी जेई बच्चों ये इंडियाज बेस्ट चैनल है, इसे बेस्ट बनाने में बच्चों आपका योगदान है, तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में बच्चों हैशटैग जेई लाइव डेली के साथ इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, इसे शेयर कीजिए। तो जल्दी से एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, याद रखिएगा ATJ कोड, इट माइट बी योर लाइफ चेंजिंग कोड बच्चों, ये आप लोगों के लिए LCC होगा, सोच समझ के यूज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट बच्चों, अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए और तैयारी ढंग से करते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।